भाजपा एससी मोर्चा के ग्रामीण जिला अध्यक्ष जीतराम मुंडा हत्याकांड के मुख्य आरोपी और 1 लाख का इनामी मनोज मुंडा को रांची पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि रांची पुलिस ने उससे पूछताछ भी की है। पिछले दिनों इस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। पुलिस ने यह भी बताया था कि आरोपी मनोज मुंडा की जानकारी देने वाले का नाम गुप्त भी रखा जाएगा। 22 सितंबर को ओरमांझी के एक लाइन होटल में उसने गोली मारकर हत्या कर दी थी। रांची पुलिस ने इस मामले में यूपी के गाजीपुर से शूटर डब्ल्यू यादव और रैकी करने वाले कार्तिक को रांची से गिरफ्तार किया था। डब्ल्यू मूल रूप से रांची का रहने वाला है। जिस दिन घटना हुई है उस दिन मनोज मुंडा अपने साथ शूटर डब्ल्यू को लाइन होटल के पास ले गया था। मनोज मुंडा खुद वाहन पर बैठा था जबकि शूटर डब्ल्यू लाइन होटल में घुसा और चाय पी रहे जीतराम मुंडा को गोली मारी। खैर, देखने वाली बात यह है कि भाजपा लगातार जीतराम मुंडा के आरोपी को पकड़ने का दबाव पुलिस पर बना रही थी, तो वहीं हेमंत सरकार का क्या स्टैंड रहने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।